नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही यूजफुल सा वीडियो। जो एक कॉटन की मैक्सी थी मेरे पास, उसका घेर काफ़ी कम था, जिस वजह से मेरे पास ऐसी पड़ी हुई थी, मैं पहन नहीं पाती थी उसे। तो मैं आज उसका यूज़ करने वाली हूँ और उसकी बनाने वाली हूँ एक कुर्ती, जो बहुत ही ईजी तरीके से कटिंग करने वाली हूँ। उसका देखिए आप फुल वीडियो, कटिंग और स्टिचिंग का। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक जरूरी बात, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ले लिया मैंने मैक्सी, इसको मैंने खोल लिया है और खोल के अच्छे से आयरन वगैरह कर ली है ताकि कटिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। और हम आज करेंगे बहुत ही ईजी तरीके से कटिंग। और ये है इसकी चोली, आस्तीन हम इसी चोली में से निकाल लेंगे, ये जो लगी हुई है इसमें, यही हमारे काम आ जाएंगी। तो आज हम कटिंग करने वाले हैं एक दूसरी कुर्ती को रख के, जो एक बहुत सरल तरीका है कुर्ती कटिंग करने का। तो ये दोनों पल्ले मैंने बिछा दिए हैं ऐसे अच्छे से, कोई सिलवटे वगैरह नहीं है। अब एक बार और डबल फोल्ड कर देते हैं इसे। अब ले लेंगे एक कुर्ती, इसको भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे। इस कुर्ती को हम रख देंगे इस कपड़े के ऊपर, बंद साइड है दोनों की, एक साइड एक तरफ ही रखनी है और निशान हमें लगाने हैं खुले तरफ से। तो सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ लंबाई का निशान, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए, क्योंकि हमें फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा चाहिए। और इधर से निशान लगाएंगे, एक निशान लगाएंगे हम बिल्कुल इसकी फिटिंग का और एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच की लूजिंग देते हुए। तो हमें कटिंग करनी है लूजिंग वाले निशान पे। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट इससे कटिंग। तो फ्रेंड्स, ये आज मेरी पुरानी मैक्सी का बहुत ही अच्छा यूज़ होने जा रहा है, जो मैं ये पहन नहीं पाती थी क्योंकि इसका घेरा काफ़ी कम था, इसलिए ऐसे ही रखी रहती थी। तो देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब इसका पीछे वाला पार्ट हटा देते हैं, अगले वाले पार्ट में आगे के गले की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा शेप आया है गले का। तो चलिए चलते हैं सिलने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके जोड़ लूँगी कंधे। कंधों पे भी मैं डबल सिलाई लगा लूँगी ताकि ये जल्दी से सिलाई कभी खुले ना। इसके बाद हम लगा लेते हैं आस्तीनें। देखिए वही वाली आस्तीनें जो मैक्सी में लगी हुई थी, इनको हमें कोई कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, हम जैसी थी वैसी ही लगा दे रहे हैं। देखिए आस्तीनें लग चुकी हैं, अब हम साइडों की फिटिंग देते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये आस्तीनों में हम ऐसे निशान लगा लेंगे जितनी हमें मोहरी रखनी है वहाँ पर, और ऐसे तिरछा निशान लगाते हुए दोनों साइडों में कुर्ती में फिटिंग देते हुए सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो देखिए कुर्ती मेरी सिल चुकी है, अब बनाते हैं इसका गला।
गला बनाने के लिए मैंने और एक पट्टी ले ली है, दो पट्टियाँ हैं, इनको हम इस तरह से जोड़ लेंगे। हम गले में लगानी है इसे पट्टी को खींचते हुए, पट्टी को खींचना है, गले वाले पोर्शन को नहीं खींचना है। ऐसे लगाने से गले में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। पहले कच्चा कर लेंगे, उसके बाद इसमें तुरपन कर लेंगे। तो देखिए तुरपन हो चुकी है, और जो कच्चे टांके थे उनको हम निकाल देंगे। कुर्ती हमारी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए मैं इसे आपको पहन के दिखाती हूँ।